दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे मोटे इंसान से मिलवाने वाला हूं, जिनका मोटापा देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन लोगों के बारे में तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो मैं हूं आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। पॉल मैसन की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उसे दुनिया का सबसे मोटा इंसान समझा जाने लगा था और उसका वजन बढ़कर 444 किलो हो गया था। पॉल के इतना वजन बढ़ने का कारण उसका एक दिन में 20,000 कैलोरीज कंज्यूम करना था, जो एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा है। दरअसल अपनी मां को खोने के बाद पॉल काफी स्ट्रेस में रहता था और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए वो खाना खाता था, जिससे पॉल का वजन इतना बढ़ गया था कि जिंदा रहने के लिए उसके पास गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सर्जरी से पॉल का 250 किलो वजन कम हो गया और अपने शरीर से एक्स्ट्रा स्किन को कम कराना अब पॉल का आखिरी गोल है। फरवरी साल 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने डोना को वर्ल्ड्स हैवीएस्ट मदर होने का खिताब दिया था, जब 241 किलो वजन के साथ डोना एक बेटी को जन्म देने वाली पहली महिला बनी थी और इस क्रिटिकल प्रेगनेंसी को अंजाम देने के लिए 30 डॉक्टर को साथ मिलकर काम करना पड़ा था। डोना ने ऑनलाइन एक वेबसाइट बना रखी थी। इस वेबसाइट पर वो लाइव खाना खाती थी और इसके बदले लोग उसे पैसे देते थे। इस काम से डोना ने एक साल में $90,000 कलेक्ट किए, जिससे वो अपने खर्चे मेंटेन करती थी और हर दिन 15,000 कैलोरीज कंज्यूम करने से उसका वजन 285 किलो हो गया था। जिसके बाद साल 2011 में आखिरकार डाइटिंग से डोना ने अपना 167 किलो वजन कम कर लिया, क्योंकि वो भी अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। साल 1965 को मैक्सिको में जन्म लेने वाला मैनुअल यूरिबे अपने वजन की वजह से जाना जाता था। मैनुअल बचपन से मोटा था और उसका वजन 113 किलो था, जो बाद में जाकर इतिहास का सबसे मोटा आदमी बना, क्योंकि पिज्जा खा कर उसने अपना वजन 597 किलो कर लिया था। इतना वजन बढ़ने की वजह से मैनुअल का बिस्तर से उठ पाना तक असंभव हो गया था और एक बार वर्ल्ड्स हैवीएस्ट मैन बनने के बाद इसे ऑनलाइन काफी फेम मिला था। डॉक्टर ने मैनुअल को मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी कराने की सलाह दी थी, लेकिन मैनुअल ने लाइव टीवी पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। पर उसके बढ़ते वजन और बीमारी की वजह से आखिरकार मैनुअल ने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता से अपना एक तिहाई वजन कम कर लिया। लेकिन 28 मई साल 2014 को वर्ल्ड हैवीएस्ट मैन का खिताब हासिल करने वाले मैनुअल यूरिबे ने 48 साल की उम्र में एक दशक तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने समय में रॉबर्ट ह्यूज इंसानी इतिहास का सबसे मोटा व्यक्ति था और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रॉबर्ट की डेथ के बाद उसे ताबूत के बजाय पियानो के एक बक्से में दफन करना पड़ा था। रॉबर्ट अपने जन्म के समय एकदम सामान्य था, लेकिन 3 महीने की उम्र में उसे पेर्टुसिस नामक इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद रॉबर्ट का वजन तेजी से बढ़ने लगा। 6 साल की उम्र में रॉबर्ट का वजन 92 किलो था। 10 साल की उम्र तक उसका वजन 171 किलो हो गया। 13 साल की उम्र में 346 किलो और 25 साल की उम्र तक वो 406 किलो का हो गया। रॉबर्ट कमाई करने के लिए एक सर्कस में काम करता था, लेकिन साल 1926 को 32 साल की उम्र में यूरेमिया की वजह से रॉबर्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाफ टन डैड के नाम से मशहूर 4 बच्चों के बाप कैनेथ का वजन 1033 पाउंड था। बचपन में कैनेथ को बास्केटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल खेलना काफी पसंद था
और उस समय तक कैनिथ का वजन एकदम एवरेज था। लेकिन 19 साल की उम्र में कैलिफोर्निया मूव होने के बाद कैनिथ ने स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया, जिससे उसका वजन तेजी से बढ़ने लगा और वो दिन में 30,000 कैलोरीज खाने लगा। वजन कम करने के लिए डॉक्टर को कैनिथ की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन घर से हॉस्पिटल तक लाने के लिए फायर क्रू को उसके घर की दीवार गिरानी पड़ी थी। डॉक्टर ने डाइटिंग की मदद से 40 दिन में कैनिथ का वजन 76 किलो कम कर दिया और समय समय पर उन्हें कैनिथ की सर्जरी भी करनी पड़ी। इन सब ट्रीटमेंट के बाद कैनिथ आखिरकार कई सालों बाद जाकर कुछ सेकंड के लिए अपने दो पैरों पर खड़ा हो पाया था। दोस्तों, आपका वजन कितना है कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।